व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। आज हम लोग का सेकेंड क्लास है अकाउंटेंसी 11 का, जो इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करना था, जो चैप्टर चल रहा था उसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। मगर जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम एंड ऑल्सो ट्रांजेक्शन, उसको थोड़ा सा जल्दी से फटाफट एक बार रिविजन कर लें। सो अकाउंटेंसी का मतलब क्या बोले थे? इट इज़ अ नॉलेज through which any transactions how can record, summarize, classify in the books of accounts is called a accountancy. Okay, यानी कि ये एक knowledge है जिसके through हम लोग कैसे हम लोग कोई भी transactions को record कर पाए, summarize कर पाए, classify कर पाए in the books of accounts को, ये सीखेंगे हम लोग accountancy में। दूसरी बात ये था कि हम लोग का transactions का मतलब क्या है। So it is whenever any event are occurring, such event involve the money and also changes the financial situation of the both parties, it's called the accountancy. Okay sir. Then दूसरा बात क्या था, यानी कि अगर इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में बोलते हैं तो transactions का मतलब क्या होता है कि transactions का मतलब होता है जिस event में, जो घटना घट रहा है, जिस event में मनी इन्वॉल्व रहेगा एंड ऑल्सो मनी इन्वॉल्व के साथ साथ दोनों पार्टी का फिनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि एक्सचेंज होगा। हम 200 रुपये देंगे तो 200 रुपये का सामान मेरे पास आएगा, कि हम 200 रुपये किसी से लिए तो उसका हम सर्विस उसको देंगे, यानी कि दोनों का ही कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। मेरे पास 200 रुपये आया तो उसके पास 200 रुपये का गुड्स गया कि सर्विस गया, कि हम 200 रुपये उसको दिए, हमने अडॉप्ट किया वो सर्विस या वो गुड्स। सो दैट्स वाई तभी जाके हम उसको उस इवेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। दूसरी बात यह था कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनी ट्रांजेक्शन हैपन रिकॉर्ड एंड क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट्स कॉल्ड अ बुक कीपिंग एंड इट इज़ प्रिपेयर बाई द बुक कीपर। यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ट्रांजेक्शन को हम लोग सीख तो लिए कि कैसे क्या रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करना जहाँ से स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। और ये कौन करता है? जिसका नाम है बुक कीपर, बुक कीपिंग करता है। तीसरा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या था? अकाउंटिंग इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच फाइंडिंग द प्रॉफिट और लॉस और एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंसर्न एंड ऑल्सो चेंजेस ऑफ एनालिसिस द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द कंसर्न, इट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग। यानी कि ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू खाली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एसर्टेन नहीं करते, एज वेल एज फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हम लोग का फाइनेंशियल सिचुएशन, एसेट एंड लायबिलिटी को भी एनालिसिस करते हैं कि मेरा कितना एसेट हुआ लास्ट ईयर से, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, एंड लायबिलिटी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। इस एनालिसिस को हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं और जो इसको करता है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटेंट। ओके सर। नाउ फिफ्थ जो था वो था हम लोग का बुक डबल एंट्री सिस्टम। तो व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम? इट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एनी ट्रांजेक्शन इज डिवाइडेड अप टू फोल्ड, one is a debit, another is a credit, and what amount will be debited, same and equal amount will be credited. यानी कि जितना भी अमाउंट हम लोग, कितना अमाउंट हम लोग डेबिट में करेंगे, सेम एंड इक्वल अमाउंट हम लोग उसको क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है ना? ओके। एंड ये प्रोसेस को हम लोग, इस प्रोसेस को कौन डिस्कवर किया था? लुका पैसियोली ने। कब किया था? 1494 में। तो ये पूरा बात हम लोग कर लिए थे। और बुक का नाम क्या था? लुका पैसिओली का सुमा दी अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शना इटा ठीक है, ये बुक लिखा था। और लुका पैसिओली को हम लोग फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले हम लोग को डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पहले समझाया था। ओके, तो आज सर हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग उस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे कि हम लोग जो डेबिट क्रेडिट हम लोग बोल पा रहे हैं और डेबिट क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम लोग ये सोच के जाते हैं कि डेबिट का मतलब आना, क्रेडिट का मतलब जाना, क्या उल्टा भी सोचते हैं कि क्रेडिट का मतलब आना, डेबिट का मतलब जाना, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से डेबिट क्रेडिट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आज देखेंगे, जिसका नाम है गोल्डन रूल्स। ओके, तो शैल वी स्टार्ट। सो गोल्डन रूल्स, हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। अकाउंट्स को हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं, यानी कि डिवाइडेड टू पार्ट्स। वन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड दूसरा है इम पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को हम लोग फिर तीन पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एक नॉर्मल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट तो ये तीन पार्ट में हम लोग डिवाइडेड करते हैं, और इन पर्सनल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो एक बार पहले देख लो, अकाउंट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को फिर तीन पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, नेचुरल पर्सनल क्या नॉर्मल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और इम्पर्सनल को हम लोग रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। सो ये पार्ट है, मगर इसमें बात क्या है, पर्सनल का मतलब होता है नॉट अ पर्सनल। पर्सनल मतलब जैसे कि मेरा पर्सनल फोन है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये पर्सनल है। यहाँ पर पर्सनल का मतलब होता है कोई भी पर्सन, यानी कि इंडिविजुअल, जैसे कि हम तुम ऐसे। तो ये पर्सन को हम लोग बोलते हैं पर्सनल, एज पर अकाउंटिंग का वर्क में बोलते हैं। तो ये इंडिविजुअल तीन पार्ट में हो सकता है, तीन चीज में हम लोग हो सकता है। एक होता है नॉर्मल पर्सनल। नॉर्मल पर्सनल मतलब क्या है, राम श्याम एक्स वाई, राम श्याम, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि जो हम लोग चलते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है जिसमें हार्ट बीट है, ब्लड है, चल फिर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल और नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कोई भी चीज को हम लोग बनाते हैं, यानी कि मैनमेड जो है, जैसे कि हम लोग गॉड मेड है, सही है ना, हम लोग को मैनमेड नहीं है, कोई पर्सन तो हम लोग को नहीं बनाया, ऊपर वाला हम लोग को बनाया जाता है गॉड मेड। और हम लोग जिस चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि सब कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये सब को हम लोग बनाते हैं। तो सर इसको हम लोग पर्सन क्यों बोलेंगे, भाई इसको पर्सन इसलिए बोलेंगे एज पर अकाउंटिंग, क्योंकि हम लोग का अकाउंट्स में एक बात है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब होता है कि खुद का पहचान, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है सिंपल वर्ड में खुद का पहचान, यानी कि फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी एंड मुकेश अंबानी बोथ आर डिफरेंट पर्सन, बोथ आर नॉट सेम पर्सन। रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी नहीं है और मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी नहीं है, दोनों का अलग पहचान है। बहुत लोग ऐसा भी है कि रिलायंस कंपनी का ओनर का नाम बहुत लोग नहीं जानते, जैसे कि फ्लिपकार्ट का जो सीईओ है बंसल एंड बंसल नहीं जानता है, फर्क नहीं पड़ता, हम लोग मार देते हैं, गुड्स आ जाता है, डिलीवरी हो जाता है, खत्म, कहानी, पहन लेते हैं शर्ट पैंट जो भी। सो क्या नाम जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते, डजंट मैटर नहीं करता, क्योंकि हमको कंपनी से दरकार है, कंपनी का ओनर से। तो कंपनी से अगर दरकार है, कंपनी का खुद का पहचान हुआ तभी ना उसका दरकार है, उसका नाम है, उसका वेल्थ है, उसका खुद का पहचान है मार्केट में। तो अगर कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कोई भी चीज़, कंपनी, कोई भी ऐसा कोई भी चीज़ जो मैनमेड है और जिसका खुद का पहचान है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल में आता है। बात समझ में आया, तो इसमें क्या क्या आता है, कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, स्कूल एक्सेट्रा। ओके, यानी कि खुद का, जैसे कि बहुत लोग, जैसे कि मान लो कि हम जब 6-7 में 8-10 में ग्रेजुएशन कर रहे, ऐसा कुछ टाइम पे, तो मुझको जो
कोई पहचान करता तो वो मेरा खुद का नाम से, यानी कि खुद का पहचान से, कि मेरा पापा मम्मी के पहचान से, ऑफ कोर्स पापा मम्मी का पहचान से मोस्टली होता है। फिर जब हम आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोफेशनल कोर्स में आए, हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए, तो मुझको आहिस्ता आहिस्ता सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पहचान पाया, और अभी हमको बहुत लोग जानता है, इसलिए जानता है कि हम पढ़ाते हैं, हम टीचर है, अकाउंट्स टीचर है, तो खुद का थोड़ा सा मे बी 0.00000001% मे बी हम अपना पहचान बना सही। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है पहचान, सेपरेट मतलब होता है अलग, अलग खुद का पहचान, यानी कि पापा मम्मी से भी हमको अभी पहचानता है और मुझसे भी इंडिविजुअल मुझको। बहुत लोग ऐसा भी है कि मेरा पापा मम्मी को नहीं जानता मगर मुझको जानता है, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, सो यहाँ पर भी वही बात है कि रिलायंस कंपनी को अगर हम लोग जानते हैं मगर मुकेश अंबानी का घर का नहीं है, ठीक। ओके, तो ये बात है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो ये सब होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है मेरे बिहाफ में कोई दूसरा के रिप्रेजेंट, जैसे कि मेडिकल रिप्रेजेंट हम लोग बोलते हैं एमआर। सो एमआर का काम क्या है? वो हर डॉक्टर के पास जाता है मोस्टली, जो उसका प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि जो जो डॉक्टर के पास उसको जाना पड़ेगा वो हॉस्पिटल एंड डॉक्टर के पास जाता है, और वो क्या करता है कि कंपनी का मेडिसिन उस डॉक्टर को दिखाता है, प्रिस्क्राइब कराता है, और वो कन्विंस कराता है कि ये सब मेडिसिन आप ऑर्डर दे सकते हैं, सही प्रिस्क्राइब कर सकते। तो क्या कंपनी जा रहा है डॉक्टर के पास? नहीं, कंपनी का बिहाफ में, कंपनी का बिहाफ में वो एजेंट जा रहा है। सो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव का मतलब एजेंट होता है। एजेंट, एजेंट का मतलब यहाँ पर खराब बात नहीं, एजेंट का मतलब होता है किसी का बिहाफ में कोई काम कर देना, कोई पर्सन। तो सर यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कौन काम कर रहा है? आउटस्टैंडिंग यहाँ पर मतलब है ड्यू, आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू। अब ड्यू का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग का कोई भी चीज़, कोई भी पैसा, अगर मान लो कि सैलरी हमको 1000 करके पर मंथ देना पड़ता है किसी को, यानी कि साल में हमको 12000 देना पड़ता है, तो अगर हम लोग 10 मंथ यानी कि 10 महीना अगर हम लोग उसको पेमेंट करें और 10000 तक हुआ, तो 2000 तो हमने पेमेंट नहीं किए, 2000 हमने तो पेमेंट नहीं किए, तो सर क्या हमको 2000 खर्चा दिखाना पड़ेगा अकाउंट्स में? क्या ना दिखाना पड़ेगा भाई, दिखाना पड़ेगा, 12000 ही दिखाना पड़ेगा। इट एक्सपेक्टेड कि तुमने पूरा पैसा दिए कि कम पैसा दिए? क्यों सर? क्योंकि हम लोग का अकाउंट्स जो होता है वो एक्रुअल कंसेप्ट में होता है। एक्रुअल, ए डबल सी आर यू ए एल, एक्रुअल बेसिस में और कंसेप्ट में होता है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि एक साल में जितना तुमको एक्सपेंस होना चाहिए, जितना तुम्हारा इनकम होना चाहिए, उतना ही तुम अकाउंट्स में दिखा सकते हो, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ओ सर समझ गए, यानी कि सर 1000 करके 12 महीना 12000 होना चाहिए, तो सर आपने 10000 दिए 10 महीना का, तो जो 2000 हो गया वो ड्यू हो गया। हाँ बेटा, वो 2000 जो ड्यू हो गया उसको हम लोग अकाउंटिंग वर्ड में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब तुम सोच के देखो, क्या 2000 हमने पेमेंट किए? ना सर। क्या हमको 2000 दिखाना है? हाँ सर, आप तो समझ गए कि दिखाना है बिकॉज ऑफ एक्चुअल बेसिस। तो क्या वो 2000 के लिए मेरा कैश गोज आउट हो रहा है, कैश हम पेड किए? नहीं सर। तो कैश के बिहाफ में, कैश के बिहाफ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल के हमको दिखाना है वो चीज़ को, वो 2000 शॉर्टेज को, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि कैश के बिहाफ में आउटस्टैंडिंग दिखा रहा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, प्री का मतलब क्या है? एडवांस, पेड का मतलब पेड, यानी कि एडवांस पेड, यानी कि फिर से यहाँ पर एक्रुअल बेसिस आ जाएगा, यानी कि एक साल में अगर तुमको 1000 करके 12 महीना में 12000 देना है, अब तुम 1000 करके उसको 15 महीना का पेमेंट कर दिए, 15000 दे दिए, तो भी यहाँ पर अकाउंट वायलेट हो गया, यानी कि 3000 तुमने ज़्यादा दे दिया, तो तुमको 15000 से कट ऑफ कर देना है 3000। तो क्या उससे कैश ले लेंगे? नहीं, वो तो दे दिए,
वो तो पेमेंट हो गया, तो हमको वो 3000 को कैसे लेवल पे लेवल आने के लिए, 12000 को लाने के लिए हमको 3000 माइनस करना पड़ेगा। तो फिर से कैश के बिहाफ में हमको प्रीपेड यूज करना पड़ेगा, प्रीपेड एडवांस पेड पहले से दे के। तो ये हो गया मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई बात समझ में? दूसरा बात क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट अबाउट एसेट, रियल अकाउंट अबाउट एसेट एंड नॉमिनल अकाउंट अबाउट एक्सपेंस, इनकम, लॉस एंड प्रॉफिट। ये चारों आइटम के बारे में बोलता है, ठीक है। अब इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ओके। सो डेफिनेशन लिख ले। सबसे पहले था पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इसका डेफिनेशन क्या है देखो, ए पर्सन हु टेकिंग बेनिफिट विल बी डेबिट। यानी कि अगर कोई बेनिफिट ले रहा है, टेकन कर रहा है, तो वो डेबिट होगा। अब तुम लोग सोच के देखो, जो डेबिट हो रहा है टेकन से, तो उसको कोई ना कोई गिवन कर रहा है, नहीं तो तुम लोग एडवांटेज कैसे लो? कोई एडवांटेज दे रहा है तभी ना एडवांटेज लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को अभी ये वीडियो क्लासेस एडवांटेज दे रहे हैं, तो अगर हम नहीं लेते, हम नहीं देते एडवांटेज, तो क्या तुम लोग ले पाते एडवांटेज? नो सर। यानी कि कोई एडवांटेज देता है तो कोई एडवांटेज लेता है। सो अगर टेक इन बेनिफिट डेबिट है, तो उल्टा बात को देखो, ए पर्सन हु गिवन बेनिफिट will be credit। यानी कि कोई दे रहा है सुविधा, बेनिफिट मतलब होता है एडवांटेज सुविधा, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ये हो गया एक नंबर। दो नंबर बाद में क्या था, दो नंबर बाद था रियल अकाउंट। सो रियल अकाउंट किसके बारे में बोल रहा है? रियल अकाउंट बोल रहा है एसेट के बारे में। सो यहाँ पर एसेट का क्या डेफिनेशन है, मतलब एसेट का क्या बात है यहाँ पर? एनी एसेट्स परचेज मतलब बाई करना, परचेज और कम्स इन विल बी डेबिट। यानी कि कोई भी एसेट अगर हम लोग परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन परचेज किया, तो मशीन आल्सो एसेट, तो मशीन क्या होगा? डेबिट। अब तुम दूसरा सोचो, अगर हम लोग परचेज करते हैं, क्या मेरे पास आता है कमसिन होता है, तो उसको हम लोग डेबिट बोल रहे हैं। तो मेरे से जो जा रहा है कि हम लोग सोल्ड आउट करते रहे, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट। यानी कि मशीन अगर हम लोग परचेस करते हैं, तो कैश से परचेस कर रहे हैं, तो कैश भी तो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि विदाउट कैश तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो कैश तो सबसे बड़ा एसेट है, ठीक। तो अगर मशीन आ रहा है तो कैश भी तो जा रहा है, अगर मशीन आ रहा है तो डेबिट, तो कैश गोज आउट विल बी क्रेडिट। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, एनी एसेट्स सोल्ड आउट और गोज आउट will be credit, okay। So तुम लोग को ये लाइन याद रखना होगा, purchase or comes in will be debit, sold out or goes out will be credit, and last में क्या था, nominal account। So nominal account किसके बारे में बोल रहा है? nominal account बोल रहा है expense, loss, income, profit। ओके, देखा जाए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एनी एक्सपेंस लॉस विल बी डेबिट। यानी कि कोई भी एक्सपेंस हो क्या लॉस हो, वो मेरा क्या होगा,
डेबिट होगा। तो उल्टा सोच लो, एक्सपेंस का उल्टा क्या होता है? एनी, एक्सपेंस का उल्टा होता है इनकम, एनी इनकम, और लॉस का उल्टा होता है प्रॉफिट, विल बी क्रेडिट, यानी कि इनकम और प्रॉफिट विल बी क्रेडिट और एक्सपेंस एंड लॉस विल बी डेबिट। सो ये बात था हम लोग का गोल्डन रूल्स का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे इसके ऊपर ही हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये 6 लाइन को तुम लोग को प्लीज याद रखना, नॉट ओनली याद रखोगे, इसको एप्लीकेबिलिटी भी सोचना, यानी कि ये चीज को अगर एप्लीकेबल तुम लोग कर सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, तो तुम लोग अकाउंट्स में जो जितना भी चैप्टर्स आएगा वो प्रॉब्लम बहुत कम रहेगा। अगर तुम लोग जिस दिन से ये 6 लाइन को भूल जाओगे, 6 लाइन मतलब इसका दो 6 लाइन, तो 6 लाइन को अगर तुम लोग भूल जाओगे जिस दिन से, उस दिन से तुम लोग का अकाउंट्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एकदम हम लिख के दे सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम पहले दिन जब से हम ये देना स्टार्ट किए उसी दिन से हम बोल दे रहे कि इसको याद करो प्लस उसको समझ लो। खाली याद मत करो, याद करोगे तो उसका एप्लीकेबल नहीं समझ पाओगे, उसका एप्लीकेबिलिटी उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या बोल रहा है, कौन सा सिचुएशन में डेबिट होगा, कौन सा सिचुएशन में क्रेडिट होगा। आई होप तुम लोग समझ पाए, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास से इसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।